तो फिर 11 कहाँ से आ गया सर? हाँ बाबू, ये हमको 11 को हटाना है तो किससे डिवाइड करो, क्वेश्चन क्या करवाओ, किससे डिवाइड करना, किससे इलेवन डिवाइड से करना, सर। 11 से, 11 से डिवाइड करो तो आंसर क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा, समझे नहीं यस सर, समझे। यस सर, समझ गई। थर्टी हाँ बाबू, नेक्स्ट बाबू, नेक्स्ट टाइप, 30 नंबर, 30 नंबर टाइप, 30 नंबर बाबू, 30 नंबर, 30 नंबर, 30 नंबर, लिखते हैं इसमें चार पांच ही को टाइप का क्वेश्चन आया था। अब इसी में आपको कोई क्वेश्चन पूछेगा तो इसी में क्या करेगा, नंबर चेंज कर देगा, कहेगा बाबू कि मतलब 200 में किस नंबर से मल्टीप्लाई करेगा परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा, कुछ मत करना, प्रोसीजर वही रखना बाबू, खाली क्वेश्चन जब भी आएगा ना तो नंबर चेंज करके आएगा ना बाबू, तो उसको फैक्टर कर देना, जो पेयर नहीं बचेगा उससे मल्टीप्लाई कर देना, कहेगा 200 किससे डिवाइड कर परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा, फैक्टर कर देना, जो पेयर बच जाएगा उस पेयर को हटा देना तो डिवाइड करके हटा हुआ है ना बाबू, तो सर क्वेश्चन टू का से खाली लिख, मल्टीप्लाई ठीक है हाँ बाबू 2 से करेंगे, ठीक है वेरी गुड बाबू, क्वेश्चन नंबर बाबू 30, क्वेश्चन नंबर 30 से था, ठीक है नेक्स्ट बाबू, एडिशन सब्ट्रैक्शन वाला दे देते ठीक है ना बाबू, वाई ठीक है बाबू, एडिशन सब्ट्रैक्शन का दे देते बाबू, व्हाट लिस्ट नंबर बाबू, व्हाट लिस्ट नंबर, व्हाट लिस्ट नंबर बाबू, व्हाट लिस्ट नंबर बाबू मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड, व्हाट लिस्ट नंबर बाबू मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड, मस्ट बी बाबू सब्ट्रैक्टेड बाबू, व्हाट लिस्ट नंबर बाबू मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम बाबू, फ्रॉम बाबू, फ्रॉम बाबू 9999 बाबू, 9000 टू गेट बाबू, टू गेट बाबू अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, बताओ तो रिस्का, टू गेट बाबू अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, रिस्का वो बताइए तो, पढ़ ली तो बाबू, एयर इसका कौन बताएगा जल्दी से, अपना माइंड यूज कर सर, बाबू, 2 मिनट माइंड यूज, दीजिए, 2 मिनट आ जा जल्दी, दीजिए। हाँ ठीक है क्या करो बाबू, 9999 बाबू, इसमें बाबू किस नंबर को सब्ट्रैक्ट करोगे, किस नंबर को सब्ट्रैक्ट करोगे कि अपना परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा, तो इसीलिए आपको बाबू हमने दोनों मेथड बताया है, ये बाबू स्क्वायर रूट निकालने का फैक्टराइजेशन मेथड भी बताया और ये आपको क्या लॉन्ग डिवीजन मेथड बनाया बताया, तो यहाँ पे कंसेप्ट लॉन्ग डिवीजन का यूज करोगे ठीक है ना, फैक्टराइजेशन करोगे तो नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, सर आप लोग वन लेट नाइन से एट क्यों से आते, सर 198 से हाँ बाबू वेरी गुड बाबू, चलो अच्छी बात है, सर 198 वेरी गुड सर, मैं बाबू, दिखा मैंने कैसे किया आर्या कहाँ थी बाबू, आर्या सर, बाबू मैं सोई हुई बताऊं थी मैं बाबू, कैसे किया सर, क्योंकि कल ही आई थी ना सर शहर मैं से, गांव दिखाऊं से शहर में सर, थोड़ा कल थक गई थी इसलिए सर आज लेट हो गया सर। थोड़ा बाबू बाद में थक खाती लेती, आ रहा छह है से कि सात क्या आ में रहा थक, है बाद में थक लेती बाबू, हद करती हो, चलिए दिखाओ सर, दिखाओ वन वरना बाबू नाइनटी थकेंगे, एट मैंने गलत है शर्मा जी, कैसे आपका बाबू कभी जिंदगी में एक बार में बनाया है सही सर, आया मेरा फिर भी से देख क्रॉस, लीजिए सर, हाँ 198 हाँ ठीक है बाबू 19, अरे सर, मेरे शैतान अरे तो 190 कैसे 198 निकाला, बच गया ना, 198 बच गया ना, वो तो एट इसी है, को वो एट है, उसने वो एट है, 198 है वैसे बाबू, आपको सर 0 नजर आ रहा, 198 है सर, मैं अच्छा इधर ठीक है जल्दी हाँ पे लिखा रहा हूँ अच्छा वेरी गुड बाबू, वेरी गुड, वाह बाबू वाह वाह, सर, मेरा देखिए सर, अभिनव प्रकाश हुआ बाबू, कैसे आप पीछे रह जाते अभिनव प्रकाश, हो गया वन अभिनव नाइन बाबू सर, सर वन नाइनटी देखिए एट मेरा, आएगा हाँ बाबू देख रहे हैं, देख रहे, कहाँ देखे बांगी, कहाँ बोल रहे थे, भाग तो जाती है, सर, मेरा सर 198 देखिए आएगा, हाँ बाबू 198 आएगा, ठीक है ना सर, शिवांगी, ठीक मेरा है शिवांगी, ठीक ठीक है सौम्या, दिखाओ कहाँ की, दिखाओ दिखाओ सर दिखाओ दिखाओ, वो आओ बस 198 लिखी है, चलो हाँ, अरे शैतान तो पूरा ऊपर में 1 9 आएगा बाबू, ऊपर हेड पे लिखे हो 1 9 और 2 9, गड़बड़ी कर दी थी, हाँ 2 9 चलो आएगा फिर शैतान, चलो ठीक है, सर, हम व्हाट्सएप पे भेज दिए पूरा जिस बना के आज दिखा दोगी तो क्या हो जाएगा, सर, वीडियो नहीं ऑन हो रहा है अच्छा नहीं हो रहा है, चलिए ठीक है, अभिनव प्रकाश बना बाबू, अभिनव सर, चलिए अच्छी बात है, दिखाओ शिवम, शिवम कहाँ गया, प्रकाश सिंह गलत है ऋषिका, प्रकाश बाबू, सर दिखा
क्या दिखा रहे बाबू? हाँ चलो, हाँ हाँ दिख गया, वेरी गुड बाबू, वेरी गुड वेरी गुड। सर मैं भी दिखाऊं? सर दिखाइए प्रखर। यस, कहाँ गए प्रखर? शर्मा जी सर, बाबू 198। हाँ बाबू, चलिए यहाँ प्रखर है, ठीक है। अरे शैतान, तो स्क्वायर रूट का वैल्यू कहाँ है? कोसाइन का वैल्यू कहाँ लिखी हो? ऋषिका तुम तो 198 को माइनस कर सर, 198 बाबू, तो क्वेश्चन या स्क्वायर रूट का ऊपर हेड पे लिख देती ना बाबू, कितना कितना टाइम तुम लगाई क्वेश्चन। सर जल्दी जल्दी मैं भूल गई सर। शर्मा जी बना बाबू, शर्मा जी सर ऋषिका ने माइनस कर दिए 999 में, और फिर उसका स्क्वायर रूट निकाल दिए। चलो बाबू देखो, अब हम बताते हैं, बाबू है ना, तो इस टाइप के क्वेश्चन बाबू क्या होता है, आसान होता है, ना कुछ दम ही नहीं होता है, ठीक है? ठीक है सर, कुछ दम नहीं। क्या करे बाबू, इतना में बाबू किस नंबर को सबट्रैक्ट करोगे? ठीक है, तो अगर बाबू आपको, बाबू जैसे इस टाइप के क्वेश्चन हम कहाँ करवाएं सर? डिवीजन में करवाएं, डिवीजन चैप्टर में करवाएं। मान लो बाबू कि आपको 21 है, तो बाबू इस नंबर में बाबू किस नंबर को सबट्रैक्ट करो बाबू कि मेरा 4 से एग्जैक्ट डिविजिबल हो जाए? 21 को बाबू में हम क्या सबट्रैक्ट करेंगे सर कि 4 से एग्जैक्ट डिविजिबल हो जाए? तो कैसे बनाते हो सर? 4 को बाबू डिवाइड 5 से 20 हो गया सर, और जो रिमाइंडर बच गया सर, अगर रिमाइंडर बच गया तो उसको इसमें सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो 4 से एग्जैक्ट डिविजिबल हो जाएगा। तो ये रिमाइंडर बचा ना, तो 21 माइनस 1 क्या हो गया? 20 हो गया। तो 20 मेरा 4 से डिविजिबल है कि नहीं? ठीक, तो यही कॉन्सेप्ट बाबू जो डिविजन में बताया था ना, वही कॉन्सेप्ट यहाँ लगाना। बार बार बोलते हैं कि हायर क्लासेस में कुछ नहीं, बेसिक आप खाली मजबूत रखो बस। तो उसी प्रकार बाबू कह रहा है कि इस नंबर को किस नंबर से सब्ट्रैक्ट करोगे, कि परफेक्ट स्क्वायर हो जाए? तो इसको किससे बनाओगे? लॉन्ग डिवीजन से बनाओगे, लॉन्गेस्ट डिवीजन से बनाओगे ना बाबू, तो फैक्टराइजेशन मेथड से बनाओगे तो जिंदगी में कभी नहीं आएगा। इसलिए आपको हम दोनों तीनों मेथड बताए हैं ना बाबू, लॉन्ग डिवीजन बता दिया, फैक्टराइजेशन दोनों मेथड बता दिया ना। तो यहाँ क्या बनाओ? लॉन्ग डिवीजन मेथड से बनाओ, जो रिमाइंडर आएगा उसको क्या कर देना? सब्ट्रैक्ट कर देना, तो जो नंबर बचेगा वो परफेक्ट स्क्वायर बचेगा, है ना? तो इसको बाबू आप किससे बनाओ? लॉन्ग डिवीजन से बनाना है ना, लॉन्ग डिवीजन में रिमाइंडर आएगा बाबू, है ना? लॉन्ग डिवीजन में रिमाइंडर आएगा, फैक्टराइजेशन में कभी नहीं आएगा, ठीक है? तो सोल्यूशन क्या करेंगे बाबू, है ना? क्या है सर? 99 सर, 99 इसका बाबू ये कर दो, इसका लॉन्ग डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट निकाल दो। तो यहाँ से पेयर कर देंगे इधर से बाबू, ऐसे फटाक से नहीं सर, ऐसे सर, ऐसे सर, आप लोग तब कंप्यूटर हो गया, अब तो कंप्यूटर हो गया, यहाँ 8 हो गया सर, यहाँ 18 हो गया सर, यहाँ 89 हो गया सर, यहाँ 99 हो जाएगा ना, यहाँ 99 हो गया सर, यहाँ 998 हो गया सर, 18 हो गया, उसके बाद यहाँ 9 हो जाएगा सर, फिर इसको 9 टाइम्स अगर कर लेंगे सर तो 981 हो जाएगा सर, कितना हो जाएगा? 972 सर, 180 हो जाएगा सर, 01 हो जाएगा, ठीक है? ठीक है सर, ऊपर 19 आ गया सर, 19 और आ गया, इसको सबट्रैक्ट करो तो 8 हो गया सर, ये 8 हो गया सर, ये 9 हो गया सर, ये 1 हो गया। तो यही ना रिमाइंडर बच गया बाबू, यही ना मेरा क्या बच गया? रिमाइंडर बच गया ना बाबू, ठीक है? यही मेरा क्या बच गया? रिमाइंडर बच गया, ठीक है सर। अब इस रिमाइंडर को बाबू इसमें से अगर सबट्रैक्ट करोगे तो जो नंबर बचेगा ना वो मेरा परफेक्ट स्क्वायर बच जाएगा, मैं परफेक्ट स्क्वायर बच जाएगा ना, विश्वास होता ना? तो ये क्या बाबू 9999 सोम्या, गूगल से देख के स्क्रीनशॉट ली है। नहीं बाबू ऐसे बच्चे नहीं करते, हैंड राइटिंग में पता चल जाएगा। देखिए नहीं सर, हैंड राइटिंग में ये गूगल पे भी दिखा रहा है। तो दिखा रहा था, उससे क्या फर्क पड़ता है बाबू? गूगल पे क्या, वैसे हमारे बच्चे नहीं है, सारे बच्चे मन के सच्चे हैं। सो बाबू सेम है, अच्छा ठीक है चलो छोड़। सो बाबू 198 बाबू इस सब यस सर, गूगल पे का है क्योंकि नीचे क्लोज भी लिखा हुआ है, डिलीट की गूगल का है बाबू। आप लोग इतना एडवांस क्यों हो बाबू? टॉप पर है ना, थोड़ा सा ये मैंने इधर उधर दुनिया में इधर पढ़िए ना आराम से। सो बाबू 198 बाबू इज सबट्रैक्टेड फ्रॉम बाबू, सबट्रैक्टेड फ्रॉम बाबू 99, ठीक है? 9999 बाबू, सो इट गिव बाबू, सो इट गिव परफेक्ट स्क्वायर नंबर। लिखिए शैतान लिखिए बाबू, हमारे सारे बच्चे मन के सच्चे बाबू, चीटिंग कोई नहीं करता, हमारे सारे बच्चे पे विश्वास है, ठीक है? सारे अच्छे बच्चे हैं। सर
तो वो था ही गूगल का। अरे छोड़िए ना बाबू, गूगल का था और गूगल अंकल का था, पढ़िए ना अपना। सर इसमें एडिशन वाला दीजिएगा। हाँ बाबू एडिशन वाला दे रहे हैं। अरे बाबू समझे? यस सर। सर डेली आओगे बाबू कि शाम को भी नींद आ जाएगा? सर थोड़ा थक गया था सर सुबह। नहीं सर अब डेली आएंगे। बाबू आपसे रिश्ता देखो रेगुलर रही सही से रही तब उससे लगभग कवर कर ली है, आप पीछे रह गए थोड़ा सा। बता दीजिएगा रिश्ता, रिश्ता बोलो प्रखर, प्रखर बाबू बता दीजिएगा। ठीक है नेक्स्ट बाबू, नेक्स्ट 30 नंबर 31 नंबर बाबू 31 नंबर 31 नंबर जल्दी से लिखो सर। 31 नंबर क्या कहता सर? 31 नंबर क्या कहता सर? सोचो व्हाट लिस्ट नंबर वो मस्ट बी एडेड। अभी क्या कर देता वो एडेड? देखो मल्टीप्लिकेशन हो गया, डिवीजन हो गया, अभी सबट्रैक्शन हो गया, एडेड कर। सर लिखने दीजिए, सर नंबर मत चेंज करिएगा, लिखने दीजिए पहले। अरे शैतान तो लिखने तो यहाँ सबट्रैक्टेड था ना बाबू, तो आप लोग हमको बदनाम कर दो। सर इसका नेक्स्ट क्वेश्चन में यही नंबर रहेगा और एडेड रहेगा। सर मस्ट बी एडेड ना लिखिए, सबट्रैक्टेड को लिख दिया। हाँ बाबू ये प्रीवियस क्वेश्चन है बाबू, 30 है, आप ही ने बोले सर थोड़ा रुकिए। हाँ तो इसके बाद वाला में नंबर सेम रहेगा ना? नहीं बाबू चेंज कर देंगे, ठीक है ना? सर जल्दी से नंबर चेंज कीजिए। ये मस्ट बी बाबू एडेड, मस्ट बी बाबू एडेड, ठीक है ये हो गया 31 नंबर। जल्दी बोलिए फ्रॉम राम बाबू वन पे कितना सर? 3 times 0 है बाबू, 2 times 4 5 times कर देते हैं बाबू। क्या करो बाबू 1 lakh है ना, 1 lakh में बाबू क्या नंबर ऐड करो बाबू कि परफेक्ट स्क्वायर हो जाएंगे? कौन बनाएगा जल्दी से करो, जल्दी से करो, प्रकाश कीजिए तो बाबू। और अभिनय प्रकाश अब पीछे कैसे रह जाता अभिनय प्रकाश, हमको समझ में नहीं आता। अभिनय प्रकाश बाबू हमेशा पीछे रह जाते बाबू, हमको टेंशन होता है। बनाओ तो अभिनय प्रकाश बाबू जल्दी से, नहीं तो फिर हम बताएंगे। दो तीन क्वेश्चन और बाबू। हाँ बाबू सर अभी मैं मन में क्यों सर 489 आ रहा है, मैं अभी आपको करके दिखाती हूँ। हाँ नाइन है, दिखा तो सर कितना आएगा सतीश? 900। नहीं बाबू गलती है, दिखा तो शिवम, शिवम शैतान, अरे शिवम कहाँ है सर? दिखा सर इसके बाद हम लोग 317 का स्क्वायर से माइनस कर देंगे वो 1 lakh। हाँ बाबू हाँ, हाँ बाबू बनाए प्रकाश से, कहाँ गया शिवम? जो पहले बोलेगा उसका तो चेक करवे करेंगे। देखो शैतान नहीं बनाया था ये, देख मैं दिखाऊं सर, मैं दिखाऊं 317। अब बीच में क्या लिखा बाबू, बीच में कुछ है? कुछ तो साइन नहीं नजर आ रहा। 317 का स्क्वायर के बाद सर मैं दिखाऊंगा, मैं दिखाऊं सर, मेरा भी देख लीजिए साइज। ठीक है बाबू, ठीक है, हाँ ठीक है बाबू। अरे शैतान 317 का स्क्वायर का, 317 का स्क्वायर कहाँ किया पहले? इतना मार मारेंगे डायरेक्ट सर, 317 का स्क्वायर हो जाएगा 100 कुछ करके आएगा सर, मैंने नहीं किया तो नहीं किया तो लिख कैसे दिया बाबू 144 बताओ हमको। अब 144 आंसर गलत है बाबू, 144 गलत है, ये क्या कर रहा बाबू? सबट्रैक्टेड थोड़ी कर रहा है। 489 तो बाबू बिना सुनाए सर 489 होगा ना, तो पहले बाबू सॉल्व कीजिएगा तब ना शैतान, बिना सॉल्व किए हवा में बात कर रहे हो सर, बोले तो 489 होगा आंसर। अरे शैतान आप सॉल्व कहां किए, आंसर छोड़िए ना, आंसर तो सब बताएगा, आप सॉल्व कहां किए ना, हम पूछ रहे हैं 317 का स्क्वायर सर, उसका स्क्वायर हो जाएगा 100489। सर 317 कहाँ से आया बताते बाबू, बताते कहाँ से आया, प्लस कर देंगे 316 में।
सर क्यों प्लस करना जरूरी है? दिखाते समझाते बाबू, समझाते समझाते हैं प्रकाशी बाबू, समझ में एक प्रकाशी का है नहीं कुछ लेट। ये विद्यासागर बुक का क्वेश्चन। हाँ बाबू विद्यासागर बुक का है। हाँ बाबू प्रकाशी बाबू सर का नहीं रिस्पॉन्स दे बाबू, नहीं बना क्या सर? इसको मतलब निकाल तो दिए लेकिन इसको एडिट करना है। अच्छा ठीक है समझा रहे हैं, समझे बाबू। देखिए क्वेश्चन कहीं करे बाबू, आपको जो भी क्वेश्चन का टाइप यही रहेगा, ठीक है ना, टाइप यही रहेगा बाबू, खाली डाटा चेंज रहेगा, है ना। तो जितने भी टाइप है बाबू सब आपको हमने करवा दिया लगभग, है ना। एक दो बार बच गया बाबू, उसको भी करवाइए, ठीक है ना। ये सब शैतान है, ठीक है ना, सब चीटिंग करता, सब ये है थीप है चोर है, सब चीटिंग नहीं करना है शैतान। आनंद बाबू चीटिंग नहीं करना। हाँ बाबू बोलिए बोलिए। 144 आएगा सर? नहीं बाबू 144 तब ना आता बाबू जब सब ट्रैक्ट करने का था बाबू, सब ट्रैक्ट करने का था। यहाँ क्या करो 100,000 में बाबू किस नंबर को ऐड करोगे, किस नंबर को ऐड करोगे तो मेरा क्या हो जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर हो जाता। समझो समझो पहले समझो बाबू, समझो समझो बाबू, ठीक है ना। ठीक है सर, ठीक है सर। देखो वो क्या कर बाबू, तो इसमें ऐड करने का रहा है, ठीक है ना, ऐड करने का रहा, ऐड करने का रहा है ना बाबू, ऐड करने का रहा ना। ठीक है सर, ठीक है सर। तो देखो कैसे करोगे, 100,000 है बाबू, 100,000 है, इक्काईस दहाई से 1,000 10,000 लाख, है ना। इसका बाबू पहले आप क्या करो, ये इसका ये निकालो, तो इसका लॉन्ग डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट निकालो। तो पेयर किधर से करोगे, इधर से करोगे, इधर से करोगे और इधर से करोगे, तो 3 times आएंगे बाबू, 3 times आएंगे। ये 9 हो गया, ये 6 हो गया और ये 1 हो गया। ऊपर में कितना हो गया बाबू, ऊपर में कितना हो जाएगा बाबू, 3 हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट बाबू 00 राइट करो, ये 1 हो गया, ये 1 हो गया बाबू, ये 61 हो गया। यहाँ कितना हो जाएगा, 39 हो जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा, 62 हो जाएगा, ठीक। इसका 00 उतारो बाबू। नेक्स्ट बाबू समझ में आ रहा है? आर्या आर्या बाबू आर्या आया समझ बाबू, ये हो गया। यस सर। तो यहाँ कितने, यहाँ कितने टाइम्स लगाएंगे सर, यहाँ 31 हो गया सर, यहाँ कितने टाइम्स लगाएंगे बताओ तो आर्या? 6 times लगा बाबू, 6 times लगा, ठीक है। अरे 7 बार में लगा हुआ तो 4200 आ जाएगा। यहाँ आपने सोचना हीट एंड ट्रायल में, आपने सोचना जैसे मान लो 600 है, 7 करोगे तो 4200 हो जाएगा, 3900 ना, तो 6 को 6 बार में करोगे तो 3600 के आसपास आएगा, है ना बाबू। तो 6×6=3600 हो गया, और 6×2=12 6×6=36, ठीक है बाबू। इसको सबट्रैक्ट करो बाबू, तब 4 हो गया सर, यहाँ से 4 हो गया सर, यहाँ से 1 हो गया, और यहाँ से बाबू इतना। अब यहाँ पे समझो, यहाँ पे अब समझो बाबू, अगर बाबू कहता बाबू कि 100,000 में बाबू किस नंबर को सबट्रैक्ट करो कि मेरा परफेक्ट स्क्वायर हो जाए, ठीक है। तो 100,000 में बाबू 144 को अगर सबट्रैक्ट कर देते तो ये मेरा परफेक्ट स्क्वायर हो जाता है ना, परफेक्ट। लेकिन यहाँ पे क्या करें बाबू, 100,000 में क्या ऐड करेंगे, 100,000 में, यहाँ समझो बाबू, दोनों क्वेश्चन में आसमान जमीन का फर्क है। सबट्रैक्ट करने का था बाबू तो सीधे 144 सबट्रैक्ट कर देता है, आपका आंसर आ जाता। लेकिन कह रहा 100,000 में क्या ऐड करें बाबू, क्या ऐड करें कि मेरा क्या हो जाए सर, परफेक्ट स्क्वायर हो जाए, परफेक्ट स्क्वायर। तो अब सोच, ठीक है ना, तो अब सोचो कैसे क्या करोगे। तो बाबू 316 का अगर स्क्वायर करें बाबू, 316 का अगर स्क्वायर करें बाबू, ठीक है ना, तो 300 1,00,000 से कम आएगा ना, 1,00,000 से कम आएगा ना बाबू, है ना, ठीक है। तो इसको परफेक्ट स्क्वायर, 1,00,000 को बाबू परफेक्ट स्क्वायर होने के लिए, परफेक्ट स्क्वायर होने के लिए बाबू अगला नंबर कौन सा आएगा, 316 के बाद कौन सा आएगा, 317 आएगा, 317 आएगा ना बाबू। परफेक्ट स्क्वायर होने के लिए कैसे करो बाबू, 100,000 में बाबू क्या ऐड करोगे कि मेरा परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। 144 ऐड करोगे तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनेगा, नहीं तो विश्वास नहीं होता तो करके देखो, तभी नहीं बनेगा। तो कैसे बनाएंगे सर, कैसे बनाएंगे, शांति से यहाँ से सुनो, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करना है, हमको ऐड करना ना, तो 316 इसका स्क्वायर उठा गया, तो इसका अगला जस्ट नंबर कौन सा होगा, 317 होगा। तो अगला नंबर बाबू कितना होगा, 317 हो जाएगा, ठीक है। अब 317 का स्क्वायर करो, तो 317 का जब स्क्वायर करो तो 1,00,000 से ज्यादा ही होगा ना बाबू मेरे, ठीक है ना बाबू। 316 का स्क्वायर मेरा कितना आ रहा है, 1,00,000 के आसपास आएगा। 144 घटाओगे तो 1,00,000 से थोड़ा सा कम आएगा। अब 317 का स्क्वायर करोगे तो निश्चित वो 1,00,000 से ज्यादा आ जाएगा, ठीक है ना। तो 317 का स्क्वायर करो कितना आ जाएगा बताओ, 317 को 2 बार मल्टीप्लाई करो तो कितना आता बोले बाबू सर? 100489 आ जाएगा, ठीक है। मतलब कितना आ गया सर, 1,489 आ गया, बात समझो। ये कितना बाबू, 1,489 है ना, यहाँ पे क्या बाबू 1,00,000 है, 1,00,000 है ना। तो बाबू देखो 316 के स्क्वायर कर, अच्छा 316 का स्क्वायर करो, 316 का स्क्वायर करो कितना आ जाएगा बाबू, इसमें से 144 घटा दो, 144 अगर घटा दो बाबू तो कितना आ जाएगा, या 316 का आप लोग मल्टीप्लाई करके बताओ हमको, छोड़ो आप लोग अपने करोगे तब समझ में आएगा। प्रकार जल्दी कीजिए,
316 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कीजिए जल्दी से, बताओ शिवांगी। शिवांगी सो रही है। यस सर, सर बताती हूँ सर। 99,856 वेरी गुड बाबू, ठीक है ना। 99,856 ठीक है बाबू। या बाबू क्या करो, 1,00,000 में बाबू 144 सब्ट्रैक्ट करो, 1,00,000 में बाबू 144 सब्ट्रैक्ट करो, देखो वो तो नहीं आएगा। 144 सब्ट्रैक्ट करेंगे ये कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, ये 9 है ना बाबू। तो कान ऐसे टच कीजिए चाहे ऐसे टच कीजिए, बात बराबर है ना। मतलब क्या सर, 316 का स्क्वायर करेंगे बाबू, तो देखो 1,00,000 बाबू 144 अगर सब्ट्रैक्ट कर दे तो ये मेरा परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाएगा। कितना बन जाएगा, ये जो है 99,856 क्या बाबू परफेक्ट स्क्वायर नंबर है ना, ठीक है सर। तो इसके जस्ट बाद वाला परफेक्ट स्क्वायर नंबर मेरा कौन सा बनेगा, इसके जस्ट 316 के बाद परफेक्ट स्क्वायर नंबर मेरा 317 आएगा ना, तो 317 का स्क्वायर किए तो 1,00,000 के जस्ट स्क्वायर, इसके 1,00,000 के जस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर मेरा ये वाला बनेगा, ये वाला बनेगा, ठीक है। तो इसमें 1,00,000 है ना बाबू, इसमें क्या 1,489,000 है, तो कितना ऐड करेंगे, कितना ऐड करेंगे बाबू। तो पहले मेरा 317 का स्क्वायर किए सर, 317 का स्क्वायर में बाबू ठीक है ना, कितना आ गया 1,489,000 आ गया। इसमें बाबू अगर हम लोग क्या कर देते हैं, इसमें बाबू 1,00,000 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 1,00,000 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बचेगा क्या, 489 बचेगा ना, 489 बचेगा, ठीक है। 498 ना आएगा बाबू, 97 मेरे नवासी आता, अच्छा नहीं नवासी आएगा, ठीक है। मतलब कहने का, हाँ नवासी आएगा, मतलब बाबू क्या बाबू सही है, 317 का स्क्वायर करें बाबू कितना आ रहा है, 1,489,000 आ रहा है, ठीक है ना। अब इसमें बाबू 1,00,000 अगर सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, 1,00,000 अगर बाबू सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ठीक है ना, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं बाबू, तो जो नंबर आएगा वही नंबर ऐड कर देंगे तो परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। मतलब क्या सर, 317 का स्क्वायर करेंगे बाबू कितना, 1,489,000 आ जाएगा, है ना। अब -1,00,000, ठीक है ना, ठीक है। तो इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आ जाएगा, 489 आ जाएगा, है ना। तो इस नंबर में बाबू 1,00,000 में बाबू 489 अगर ऐड कर दोगे तो मेरा क्या बन जाएगा, 1,489 बन जाएगा। 1,489 किसका स्क्वायर है, किसका स्क्वायर है, 317 का स्क्वायर है ना, 317 का स्क्वायर है बाबू। तो यही है कंसेप्ट, ऐड करने में क्या करना है, जो भी आपका बाबू ये कोशेंट, जो भी कोशेंट आएगा उसमें एक बढ़ा देना, जो नंबर दिया उसको सब्ट्रैक्ट कर देना, जो छोटा रिजल्ट आएगा वही आपका क्या हो जाएगा, जो रिजल्ट आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। राइट डाउन करो, समझी आ रही है? यस सर। आप लोग हमारे रिश्ते को भगा दिए बाबू, और कौन चल गया, सर 7 बज गए, तो बज गए तो हम क्या करें, अभी 2 क्वेश्चन और है, जल्दी करो सर। इसके रिमाइंडर में 489 ऐड करेंगे, नहीं शैतान इसमें ऐड करेंगे ना, नंबर में क्या करोगे भाई, व्हाट लिस्ट नंबर पर ऐड करोगे, 1,00,000 में कितना ऐड करोगे, तो 1,00,000 में ऐड करेंगे वो रिमाइंडर है, इसीलिए 16 36 सर होमवर्क दे दीजिए। क्या बोल रहे शिवांगी सर, एडेड दिया हुआ है इसीलिए 316 में प्लस 1 होगा। हां बाबू 316 में प्लस 1 होगा सर, अगर वहाँ पे 317 रहता तो 318 होता। हाँ बाबू 318 होता सर, होमवर्क देंगे, अरे सर नहीं बाबू अभी पढ़ाएंगे, पढ़ाने का भी मन है। सो बाबू सर 316 का स्क्वायर सर निकल जाएगा सर, तो उसके आगे का जो सर 317 है सर उसका स्क्वायर निकालेंगे सर, उसमें से फिर 1,00,000 को माइनस कर देंगे सर, तो जो आंसर आएगा सर वही उसका आंसर होगा। हाँ बाबू, हाँ बाबू, हाँ बाबू, सो बाबू 489 बाबू इज एडेड बाबू, इज एडेड बाबू टू 1,00,000 बाबू, टू बाबू 1,00,000, 489 बाबू इज एडेड टू बाबू 1,00,000 टू गिव परफेक्ट स्क्वायर नंबर, टू गिव बाबू परफेक्ट स्क्वायर नंबर, ठीक है बाबू। तो ये आपका बाबू जो विद्यासागर बुक था ना बाबू, उसी से क्वेश्चन था, जो विद्यासागर का बुक था बाबू, इसी टाइप का क्वेश्चन मिलेगा आपको, बहुत सारे मिलेगा, है ना। तो बुक को आप लोग बनाइएगा बाबू, है ना। और एक बाबू एगो दो और टाइप है, इसको आप लोग थोड़ा सा माइंड यूज करके आइएगा, नहीं तो कल बताएंगे। नारायण इस टाइम में क्या, आर्या चल गई, आर्या चल गई बाबू, आर्या कौन कौन भागा, नहीं सर है।
अच्छा सतीश भागा तो ये बाबू क्या था स्क्वायर से रिलेटेड सारे कंप्लीट नॉलेज दे दी। अब बाबू जिससे भी कोई बुक से बनाने का इच्छा है सेवन का बनाओ, आर डी शर्मा, आर एस अग्रवाल, कहीं से बनाओ आराम से बन जाए। कंप्लीट पढ़ाए आपको स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, फिर क्यूब एंड क्यूब, दो और टाइप बच गया बाबू, दो और टाइप बच गया, उसको लिख देते आप लोग, देखिएगा बना के लाने की कोशिश कीजिएगा, नहीं तो कल इसको डिस्कस कर देंगे। दो टाइप और बच गया, 32 नंबर बाबू। फाइंड द बाबू ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ फाइव डिजिट बाबू ऑफ फाइव डिजिट बाबू, फाइव डिजिट भी चीजें परफेक्ट स्क्वायर, विच इज बाबू परफेक्ट स्क्वायर, मतलब क्या सर, पांच डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर लिखना हो जो क्या हो जाए मेरा परफेक्ट स्क्वायर हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट बाबू 33 नंबर बाबू, इसी में सर फाइव डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर कर देते बाबू, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाबू, फाइंड द बाबू स्मॉलेस्ट नंबर, फाइंड द बाबू स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ फाइव डिजिट बाबू, फाइव डिजिट बाबू भी स्किप, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ फाइव डिजिट बाबू भी स्किप, परफेक्ट स्क्वायर कर दो। तो इतने सारे बाबू आपके वैरायटी के क्वेश्चन थे स्क्वायर और स्क्वायर रूट वाला, है ना, और अब नहीं है बाबू इससे ज्यादा वैरायटी है, ये नहीं है, एक वो हल्का और बच गया, वो काल छोड़ दे, इसमें डिवाइड करने से कि मल्टीप्लाई करना है, इसे सबट्रैक्ट ऐड करना है, ये कैसे पता चलेगा बाबू? क्वेश्चन आप लोग बनाओगे ना तो आपको धीरे धीरे आइडिया मिलने लगेंगे, है ना, धीरे धीरे मिलने लगे क्या करना पड़ेगा। मैं बता दूंगी निशिता। नेक्स्ट बाबू एक और बच गया, एक वो भी लिख देते, वो काहे छोड़ेंगे बाबू, जितना भी टाइप है बाबू सब लिख दे, देखो क्या बाबू, 529 बाबू, 529 बाबू, क्वेश्चन लंबा है बाबू, लिखते लिखते तो थक जाएंगे सुल्तान में। लिखिएगा कि स्क्रीनशॉट भेज देंगे बाबू, लंबा है बाबू, लिखेंगे, लिखो लिखो सुल्तान। 529 बाबू स्टूडेंट सिटिंग बाबू, लिखते चले तेजी से लिखते चले बाबू, सिटिंग इन बाबू, हाँ बाबू, इन बाबू एंड ऑडिटोरियम बाबू इन सच ए मैनर बाबू, जल्दी जल्दी लिखते चलिए, इन सच ए मैनर बाबू, डेट देयर आर बाबू, डेट देयर आर एज बाबू मेनी स्टूडेंट। सर सबसे अच्छा बता दीजिए कौन से पेज से ले रहे हैं, मतलब विद्यासागर का नहीं बाबू, इन रो बाबू एज देयर, सर तो कौन से बुक का है, आर डी शर्मा बाबू, आज मैंने स्टूडेंट को इनरो बाबू, आज देयर आर रो इन द ऑडिटोरियम, आज देयर आर बाबू रो इन ऑडिटोरियम बाबू, हाउ मेनी रोज बाबू आर देयर इन ऑडिटोरियम, आर देयर
ठीक है, तीन क्वेश्चन है बाबू, इसपे थोड़ा, इसपे बाबू आप लोग थोड़ा मंथन करके आइएगा, ठीक है ना, बनेगा तो ठीक है, नहीं बनेगा तो हम फिर बताएंगे। चलिए सर, सब बन जाएगा, जाएं तो सर।